हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम योर ब्यूटीफुल नीडिंग पैटर्न बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट रो सीधी साइड से पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से सीधा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। रो के आखिर में देखिए, लास्ट वाला फंदा इस तरह से सीधा बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। अब सेकेंड रो उल्टी तरफ से, सभी फंदों को इसी तरह से पर्ल वाइज बुनते हुए, यानी कि सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए जाएंगे और पूरी रो इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सभी फंदों को पल वाइज बुनते हुए देखिए, सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। अब थर्ड रो देखिए, थर्ड रो सीधी साइड से मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, शुरुआती दो फंदे और आखिर के दो फंदे, ये चार फंदों को छोड़कर जो हमारा पैटर्न रहेगा, 1 2 3 फंदों का 1 2 3, यानी 3+3 फंदे लेते हुए जाएंगे और इसी तरह से पूरा पैटर्न हमारा बनेगा थर्ड रो में। तो चलिए किस तरह से बनाएंगे इसे शुरू करते हैं। पहला फंदा देखिए, हर बार की तरह स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट थ्री फंदे, 1 2 3, जो तीसरे नंबर का फंदा है उसे इस तरह से दोनों फंदों पर देखिए इस तरह से उतार देंगे। तो इधर से देखिए, इस तरह से नहीं बुनेंगे हम इसे, देखिए इस तरह से बुनेंगे बाहर की तरफ। एक फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा सीधा बुना, नीट वाइज बुन दिए दो फंदे। देखिए फिर से धागा घुमाएंगे आगे की तरफ। देखिए नेक्स्ट तीन फंदे, तीसरे नंबर का फंदा इस तरह से नीडल पर रखेंगे और इस तरह से इसे दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से गुजार देंगे। फिर इन दोनों फंदों को इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे, तीन फंदे इस तरह से देखिए दो फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे और इस तरह से बुन लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, एक फंदा दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे, फिर इन दोनों फंदों को इस तरह से बुन लेंगे। आज का हमारा यह पैटर्न तीन फंदों का और चार सिलाइयों का है। चार सिलाइयों के बाद हमारा यह पैटर्न रिपीट होगा। देखिए इसी तरह से धागा बाहर की तरफ घुमाया है हमने। देखिए मैं बता दूँ आपको, दो फंदे यहाँ पे पहले लिए थे हमने, उसके बाद तीन फंदे हो गए हैं। ये जो हमने धागा बाहर की तरफ घुमाया ये भी फंदे के रूप में है। बाकी देखिए तीन फंदे दोबारा से हो गए हैं। देखिए फिर से हमने धागा अपनी तरफ घुमाया है, तीन फंदों में से तीसरे नंबर का फंदा दो फंदों के ऊपर से इस तरह से गुजार देंगे और इस तरह से इसे सीधे बुनेंगे। बहुत ईजी पैटर्न है और बनने के बाद ये बहुत ही प्रीटी लगता है। देखिए इसी तरह से इसे बुनते हुए जाएंगे। जिन लोगों को शुरुआती बुनाई भी नहीं आती है वो इस पैटर्न को बहुत इजीली सीख सकता है। बहुत इजी पैटर्न है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, झंझट वाला सिस्टम। इसी तरह से देखिए फिर से दोनों फंदों के ऊपर से तीसरे नंबर का फंदा इस तरह से उतार देंगे और फिर से इसे नेट वाइज बुन लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, तीसरे नंबर का जो फंदा है उसे दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से गुजार देंगे और फिर बुन लेंगे। बस ये रिपीट पैटर्न पूरी रो पर रिपीट होता हुआ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी लास्ट में टू फंदे रहेंगे, तो उन्हें हम इस तरह से देखिए धागा इधर अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारी तीसरे नंबर की
30 नंबर का जो हमारा सिलाई है कंप्लीट हो गई है। अब 4th नंबर की सिलाई की तरफ चलते हैं। 4th नंबर की सिलाई में देखिए, पहला फंदा स्लिप किया और बाकी के जो फंदे हैं लेकिन इस तरह से देखिए, हमारा हमने लपेटा हुआ धागा था इसे भी हम इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे पल वाइज, और सभी फंदों को इसी तरह से पल वाइज बुनते हुए पूरी रो को यानी कि 4th नंबर की रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। पैटर्न की चारों रो कंप्लीट करने के बाद देखिए, हमारा पैटर्न इस तरह से दिखाई देने लगा है। अब फिर से फर्स्ट रो रिपीट होगी यानी कि पूरी रो हम इसी तरह से सीधी बुनते हुए जाएंगे नीट और स्टिच नीट वाइज। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से निट और स्टिच पर्ल वाइज पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 4th रो की तरफ आ गए हैं। 4th रो में थोड़ा ट्विस्ट होगा इसीलिए मैंने आपको रिपीट करके बताया है ये पैटर्न। देखिए पहला फंदा स्लिप किया, उसके बाद हमने पहली जो हमने पहले बुना था यहाँ पे फंदे, उसमें हमने एक फंदा सीधा बुना था और उसके बाद हमने 3 फंदे के ऊपर पैटर्न बनाया था। पर यहाँ पे देखिए 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, उसके बाद देखिए होल से इधर वाले जो फंदे हैं उसे 30 नंबर का फंदा लेना है, दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। देखिए यहाँ पर हमने पहले एक फंदा लिया था पहले वाले पैटर्न में और यहाँ पर हमने 2 फंदे लेने हैं, उसके बाद हमने 3 फंदों का ये पैटर्न बनाना है। फिर से धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा। देखिए तीसरे नंबर का फंदा होल के इस साइड इस तरह से लेंगे और दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। इस पैटर्न को आप शॉल, मफलर, स्कार्फ, कार्डिगन, फ्रॉक आदि पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 3 रो कंप्लीट करने के बाद ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। लास्ट वाली रो उसी तरह से सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। पैटर्न की कुछ रोज कंप्लीट करने के बाद देखिए हमारा यह पैटर्न कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। आपको मेरा आज का यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हर हर महादेव।